नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मगर टीवी में। मैं हूं आपके साथ अंकिता। इस वक्त की अहम खबरों के साथ विश्व शांति महोत्सव के पहले दिन विशाल शांति मार्च का हुआ भव्य आयोजन। गया पीस कमेटी ऑफ इंडिया के तत्वावधान में हो रहे विश्व शांति सम्मेलन के पहले दिन गुरुवार को शांति मार्च का आयोजन किया गया। इस मार्च का शुभारंभ डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने हरी झंडी दिखाकर और तिरंगा बैलून उड़ा कर किया। इस दौरान एसडीओ इंद्रवीर कुमार सिटी, डीएसपी पीएन साहू उज्जैन से कार्यक्रम में शामिल होने आई कवयित्री शबनम अली, पीस एसोसिएशन ऑफ इंडिया की सेक्रेटरी इकबाल हुसैन, अध्यक्ष सुनील कुमार सिंह, शबी शमसी, असद परवेज उर्फ कमांडर नयर अहमद, नवाब खान, डॉक्टर अख्तर हुसैन, रिंकू सिन्हा, पूर्व वार्ड पार्षद संतोष सिंह, पूर्व पार्षद मोहम्मद हलीम, जावेद अख्तर, मोहम्मद हफीज, शाहिद खान, मोती करीमी, लालजी प्रसाद, फौजी इमाम, फैसल रहमानी, अंकुश बग्गा, सैयद आसिफ जफर, प्रदीप जैन, शौकत अली, जीशान आफरीदी समेत बड़ी तादाद में शहरवासी इस मार्च में शामिल हुए। इस अवसर पर डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने पीस एसोसिएशन ऑफ इंडिया की पहल की तारीफ करते हुए कहा कि इस तरह के कार्यक्रम से देश में शांति का पैगाम जाएगा। वहीं पीस एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सचिव इकबाल हुसैन ने कहा कि संस्था हमेशा से ही अमन, शांति, भाईचारा, आपसी सौहार्द का पैगाम देता आ रहा है। इसी कड़ी में गया के गांधी मैदान में 4 दिवसीय शांति महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज हुए शांति मार्च में जिला प्रशासन, जिला पुलिस, विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि, स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राओं के साथ साथ बड़ी तादाद में शहर के शांति प्रिय लोग शामिल हुए। इकबाल हुसैन ने गया वासियों से अपील की है कि 17 मार्च को होने वाले विश्व शांति सम्मेलन, 18 मार्च को होने वाले मुशायरा सह कवि सम्मेलन तथा 19 मार्च को होने वाले बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में बड़ी तादाद में आकर कार्यक्रम को सफल बनाएं। उज्जैन से कार्यक्रम में शामिल होने गया पहुंची शायरा शबनम अली ने कहा कि गया सांप्रदायिक सौहार्द की धरती रही है। इस सरजमीन से हमेशा ही शांति और अमन का संदेश पूरी दुनिया में दिया गया है। इसी कड़ी में पीस एसोसिएशन ऑफ इंडिया के माध्यम से अमन, शांति व भाईचारा का पैगाम दिया जा रहा है। द्वारा आज विश्व शांति महोत्सव का शुरुआत में एक पीस मार्च आयोजित किया गया है। इसमें शहर के कई लोग, जनमाने लोग आए हैं और बहुत लोग यहाँ से निकल करके पीस मार्च का आयोजन होगा। इससे अच्छा और शांति का संदेश सब जगह जाएगा और इस महोत्सव के सफलता के लिए पीस एसोसिएशन के मेरे पूरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। सबसे पहले मैं पीस एसोसिएशन ऑफ इंडिया को मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ कि जो कदम उन्होंने बढ़ाया है। दरअसल पूरे विश्व को आज सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो शांति की ज़रूरत है। और जैसा कि मैंने कहा है कि कौन हिंदू है मुसलमान नहीं जानते हैं, हम के इस तरह की पहचान नहीं जानते हैं और उन पे अफसोस भी, लानत भी और धिक्कार भी है। वो जो इंसान को इंसान नहीं जानते हैं, तो दरअसल पीस का जो संदेश है, शांति का जो संदेश है, वो इंसानियत का सबसे बड़ा संदेश है। मैक लुहान ने संज्ञा दी है, हम जिस विश्व में रह रहे हैं, जिस ग्लोबलाइजेशन के दौर से हम गुजर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम ग्लोबल विलेज में रह रहे हैं और एक विलेज के अंदर एक हिस्सा शांत हो, एक हिस्सा अशांत हो तो पूरे गांव का डेवलपमेंट रुक जाता है। इसी तरह से एक पूरा विश्व अगर गांव बन चुका है, हम एक ग्लोबल विलेज में रह रहे हैं, तो किसी भी मुल्क की अशांति दीगर मुल्कों को परेशान करती है और किसी भी देश को आगे बढ़ने के लिए शांति उसका सबसे स्वर्णिम दौर होता है। हम अगर इतिहास उठाकर देखें तो हम उन मुल्कों के डेवलपमेंट की अगर कहानी पढ़ें जिन मुल्कों ने आज आसमान छुआ है, तो हम देखेंगे कि वहाँ शांति व्याप्त थी और शांति ही सबसे बड़ा कारण है। क्योंकि जब मन को शांति मिलती है, जब सोसाइटी में शांति होती है, जब रिश्तों के बीच शांति होती है, तो वो समाज तरक्की करता है। मैं एक बार फिर मुबारकबाद देती हूँ गया के तमाम वासियों को, क्योंकि गया एक ऐसी धरती है जहाँ बुद्ध को शांति की परम सीमा प्राप्त हुई और ये संदेश पूरे मुल्क में, ना सिर्फ पूरे मुल्क में बल्कि विश्व में फैला है। तो इस धरती से
शांति का अगर संदेश इतने उग्र रूप से, इतने प्रचंड रूप से अगर उठकर फैल रहा है, तो मुझे लगता है इस शांति के संदेश को कोई नहीं रोक सकता। मैं शबनम अली, उज्जैन से। दरअसल गया आने का जो सबसे बड़ा मकसद है वो यही मकसद है जो पीस एसोसिएशन ऑफ इंडिया का है, क्योंकि जब शांति की बात होती है तो या तो सोशल रिफॉर्मर्स आगे बढ़कर काम करते हैं या फिर राइटर, शायर और कवि लोगों को बेदार करते हैं। तो मैं बेसिकली राइटर भी हूँ, शायरा भी हूँ, तो हमारी जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है, क्योंकि कलम ने क्रांति भी लाई है और शांति भी लाई है। तो इस शांति को हम दूर तक, आम लोगों से ख़ास लोगों तक और ख़ास से आम तक ले जा सकें, बस इसी उद्देश्य को लेकर मैं गया हाजिर हुई हूँ। बहुत बहुत जी, बताएं क्या कार्यक्रम। देखिए, आज गया के गांधी टावर से शांति मार्च विश्व शांति महोत्सव के उपलक्ष्य में निकला, और वहाँ से सारे धर्म के बच्चे, सिख धर्म से, इस्लाम धर्म से, सनातन से बच्चे, धार्मिक वेशभूषा में, साथ में हमारे डीएम साहब श्री एस एम त्यागराजन साहब, एसडीओ साहब निर्वी कुमार जी और पीएन साहू जी जो पुलिस उपाध्यक्ष हैं, और साथ ही साथ हमारे भोपाल से चलकर आई शायरा हमारे साथ खड़ी हैं, मोहतरमा शबनम अली जी उज्जैन से, ये सारे लोग और शहर के जितने बुद्धिजीवी वर्ग हैं, पीस एसोसिएशन के जितने मेंबर्स, वो शांति मार्च लेकर के गया के टावर चौक से गांधी मंडप तक पहुँचे। अभी हम लोग जस्ट गांधी मंडप पर अस्थि कलश जहाँ पर विसर्जित हो वहाँ पर हम लोग नमन करेंगे, और एक सभा का आयोजन करने के बाद आज शांति मार्च को समापन करेंगे। शांति मार्च जिस जगह पर समापन हो रहा है वहाँ से आपको याद होगा गांधी जी का एक बड़ा प्यारा नारा रहा है, अहिंसा परमो धर्मा। तो अहिंसा परमो धर्मा के नारा पर ही ये पीस एसोसिएशन काम करती है। जब देश में अहिंसा फैलेगी, विश्व में अहिंसा फैलेगी, आपसी भाईचारा, मोहब्बत और सौहार्द बढ़ेगा, तो एक सशक्त समाज की स्थापना होगी, और जब समाज सशक्त होता है, मजबूत होता है, तो देश मजबूत होता है। इसी सोच के साथ पीस एसोसिएशन के जितने भी लोग हैं वो जुड़े हुए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज का शांति मार्च से सारे शहर को संदेश जाएगा, और कल विश्व शांति सम्मेलन जो संध्या 5:30 बजे से गया के गांधी मैदान में होने जा रहा है, उसमें सारे लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सारे लोग आएंगे, और जितने भी हमारे प्रख्यात धर्मगुरु आ रहे हैं उनको सुनेंगे, और शांति, सौहार्द, प्रेम, भाईचारे का मैसेज और उपदेश समाज को देंगे और आपसी भाईचारा बढ़ाएंगे। यही हमारी कामना है, यही हमारी सोच है।